हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जी व्लॉक कह उम्मीद करता हूँ जी आप सब खेरी से होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय इंजॉय होंगे अच्छा जी कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट वीडियोस आप तक डिलीवर करते रहते हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एथलैंटिक रीजन का एक प्रोविंस है न्यू प्रांसफिक अच्छा एथलान्टिक रीजन क्या है ये एक uh, बेसिकली जो एथलैंटिक ओशन है उसके साथ चार प्रोविसेज लगे हुए हैं न्यू न्यू फिनलैंड लेबोडोर प्रिंस एडवर्ड आईलैंड नोवा स्कॉशिया के साथ साथ न्यू प्रांसफिक तो इसका एक फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है इमिग्रेशन प्रोग्राम उसके हाले से हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं बहुत ही जबरदस्त उस प्रोग्राम है जिसमें इन इचार फेडरल गवर्नमेंट और प्रोवेंशल गवर्नमेंट के दौरान एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू ये इमिग्रेशन um, होती है एथलेंटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू राइट बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी न्यू ब्रांसफिक का एक पी है जो कि प्रोवेंशल नोमी प्रोग्राम है जिसमें अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और अप्लाई करते हैं तो प्रोवेंशल गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करती है न्यू ब्रांसफिक एंड देन उसके बाद आप आई के साथ ये इमिग्रेशन और फिटनशिप्स के साथ जो है वो अपनी कैनिडियन पी आर जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और न्यू ब्रांसफिक में सेटल डाउन होते हैं तो जी बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है बड़ी ही आ, अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि न्यू ब्रांसफिक जो है वह बड़ा ही इमिग्रेशन फ्रेंडली प्रोविंस है और डिफरेंट डिफरेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम्स जो है वो टाइम बाई टाइम इंट्रोड्यूस कराता रहता है इससे रिलेटेड हमने एक लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी न्यू ब्रांसफिक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है करंटली भी अभी भी एग्जिस्ट करता है वो प्रोग्राम उसकी वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर sure करें उसको भी आप देखें पर आज की वीडियो में हम बात करते हैं जी न्यू ब्रांचिक के पी के हवाले से मेक श्योर sure करना है अपनी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या डॉक्यूमेंटेशन हैं क्या टाइम यू नो क्या टाइम फ्रेम है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का और जी इसके साथ साथ आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड आर सी तो ये चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करता हूँ कि भाई मैं बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च और बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रांसिक वेबसाइट और आर की वेबसाइट पर जो इफॉर्मेशन होती है हम कोशिश करते हैं उनको अपने वर्ड्स में आप तक डिलीवर करें बट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड आर और आर सी कंसल्टेंट ठीक है जी सो मेक श्योर करें जी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें राइट गाइज ये गवर्नमेंट ऑफ न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है It's... जो नाम है। वो है और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में, ये बेसिकली उन, उन लोगों के लिए बाहर रहते हैं किसी डिफरेंट प्रोवेंस में और वो न्यू ब्रांसिक में सेटल, सेटल डाउन होना चाहते हैं परमानेंट बेसिस पे ये प्रोग्राम उनके लिए है। और इस वक्त करेंटली जो है वो गवर्नमेंट ने कोई आई टी जिसे इन्विटेशन टू अपलाई जिसे कहते हैं वो स्टॉप नहीं करें और करंटली वो आई को इशू कर रहे हैं और सिर्फ नॉक टेयर फाइव कैटेगरी के अंदर इशू कर रहे हैं ठीक है जी अगर आपका ऑकुपेन नॉक टेयर फाइव में आता है इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल सो आप आप जो है आप जो है है बेसिकली उसके थ्रू अपनी प्रोफाइल बना के आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसके कुछ स्टेप्स है सबसे पहली चीज आपने जो करनी है जी आपने न्यू ब्रांसविक रीजन में एम्प्लॉयमेंट फाइंड करनी है उसके लिए मैं ये लिंक एड कर दूंगा तीन डिफरेंट रिसोर्सेज है जो गवर्नमेंट ने ऑल्सो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए हुए हैं एक तो न्यू ब्रांसविक का अपना जॉब बैंक है और एक एन बी जॉब के हिसाब से एक और वेबसाइट है और इन डी ऑफकोर्स ये तीन जॉब्स आपके पास तीन ये हैं इसके अलावा एक कैनेडा जो फेडरल गवर्नमेंट का एक जॉब बैंक है उसके थ्रू तो ये डिफरेंट तीन से चार रिसोर्स हैं जिनको हम फॉलो करके जॉब जो है उस रीजन के अंदर फाइंड कर सकते हैं ठीक है जी तो होना इस तरीके से जी आप सबसे पहले आपको जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है उसके बाद आपने पी आर बी परमानेंट रेसिडेंट पी आर रेडी सो इसका मतलब यहाँ पर यह है जी के न्यू की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप जब अप्लाई कर रहे हैं हमारे किसी प्रोग्राम के रेडी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो गई अगर आपकी डिग्री कनाडा से बाहर है मिनिमम आइल्स हो गया ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है ये आपके पास पी की रेडी होनी चाहिए ताकि आप आगे जैसी आपको नॉमिनेशन मिले आप

Of New आपको डिसीजन मिलता है अप्रूवल मिलता है तो आप आगे जाके आर के साथ अपनी सबमिट करते हैं PR, की. अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी तो आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम ही है और आप जैसे देख सकते हैं ये कुछ फैक्टर्स है जो आपकी पॉइंट uh, को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं राइट सो so, कौन कौन से फैक्टर है जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मिनिमम ऑफ सिक्सटी ऑफ हंड्रेड पॉइंट इज रिक्वायर्ड तो साठ पॉइंट आपको चाहिए टू भी सक्सेसफुल और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं जी आप देख सकते हैं एज के पॉइंट बाईस पचपन साल है तो दस पॉइंट मिलने उन्नीस इक्कीस साल है तो आठ पॉइंट्स मिलने लैंग्वेज के हवाले से अगर हम देख सकते हैं तो सीएल फोर जो, right? so, जो है वो चाहिए तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं आ, ये पॉइंट स्कोरिंग उन्होंने रखी हुई है चौबीस पॉइंट्स ठीक है ना और इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में करते हैं तो उसके चार पॉइंट्स अलग हैं ठीक है सी एल प्लस लेकर आ पाते हैं अगर इन ऑल फोर लैंग्वेज एबिलिटीज राइट और दूसरी चीज जो है जी ये तो आपका आ गया जी आइल्स का आ गया स्कोरिंग हो गई एज की स्कोरिंग हो गई ठीक है दूसरा फिर इंपॉर्टेंट चीज ये एजुकेशनल असेसमेंट जो हम हमेशा अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि भाई अगर आपने फॉरेन एजुकेशन की हुई है तो आपको ईसीए चाहिए जो कि एजुकेशनल फ्रिडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट है ठीक है जी उसके हवाले से मैंने काफी दफा लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं दोबारा ऐड कर दूंगा जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आपकी कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन है आपको इनको इन बॉडीज के थ्रू सेस करवाना है जिससे आपको इक्वलेंसी मिलेगी ठीक है और ये आप देख सकते हैं जी ब्रेक डाउन इस कोर्स का फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पी एच डी है तो उसके ठोनी पॉइंट्स है मास्टर्स इन पॉइंट्स है

और एटलीस्ट आपको जो है इस इस भी करने के लिए आपको पंद्रह सौ साठ घंटे ना ये चीजें हो गई जी इसके साथ साथ जो है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने बेसिकली जब आपकी अप्लीकेशन सारी चीजें कंप्लीट होती है पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए अच्छा कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं ये जी प्रिंसिपल एप्लीकेंट के जिसमें एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स आ गए आपके और एजुकेशन के आ गए फैमिली अगर आपकी है तो उसके पॉइंट्स अलग हैं ठीक है ना एज एसन डॉलर बी बीस प्राइवेट अगर आपका कोई न्यू में फैमिली रह रही है जी स्पाउस रह रहा है उसके पॉइंट्स आपको अलग मिल सकते हैं जी और इसके साथ साथ जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जब आपकी सारी चीज रेडी हो जाए आपने ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाए पीआर रेडीनेस आपकी चीज है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस इस लिंक अच्छा ये जो है ना मेन गाइड है बेसिकली तो ये गवर्नमेंट की मेन गाइड है ये सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो इसको फॉलो करके जो है जी हम आगे जो है इस प्रोग्राम के थ्रो तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो पीआर रेडीनेस का मैं बता चुका हूँ कि आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पीआर की वो सारी चीज आपकी रेडी होनी चाहिए आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल गई पी आर रेडीनेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप जो है वो अप्लाई करते हैं जी ई अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको इन्विटेशन आ जाता है तो so, जैसे ही आपको इन्विटेशन आता है आपने यू हैव अप टू कैलेंडर डेज फ्रॉम द डे तो आपने जैसे आपको इन्विटेशन देती है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट कहती है हम इंटरेस्टेड हैं आपके पैंतालीस दिन होते हैं सबमिट करने में उसके बाद आप जो है वो अपनी अप्रूवल सबमिशन ऑफ प्रोवेंशियल अपलिकेशन टू तो जी जब उसके बाद आप अपनी अप्लीकेशन सबमिट करते हैं जो रेलिवेंट फीस है वो प्रोसेसिंग की वो फी करते हैं अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे इंटरव्यू रिक्वायर्ड है आपसे करेंगे ठीक है जी उसके बाद ये सारी चीजें जब हो जाती हैं आपको जब नॉमिनेशन मिल जाती है एप्लीकेशन अप्रूवल आ जाती है उसके बाद जो है जो लास्ट स्टेप होता है वो जी वो आप अपनी फेडरल एप्लीकेशन जो है मतलब जो पी की एप्लीकेशन है वो आई के साथ सबमिट करते हैं ठीक है जी तो ये मेन स्टेप है और इन गाइड्स को इन रिसोर्सेज जो, जो है बड़े इंपॉर्टेंट है जिनको आपने देख कर सारी चीजें जो है प्रिपेयर करनी है, और ताकि आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत ना पड़े किसी और रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं पड़े आप खुद ही कर सके ठीक है ना तो ये क्लियरली है जी कि आपको जैसे ही नॉमिनेशन आती है आ, आपने जो है वो अपनी पी आर की सबमिट करनी है आई आर सी सी जो है वो फाइनल अथॉरिटी है जो पी आर की एप्लीकेशन का डिसीजन देगी और ये सारे दूसरी चीजें जो पुलिस सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक आईसी फीस ये सारी चीज आपने करनी है तो ये मच है जी इसमें आप बस जॉब्स मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी जॉब्स जो है उसमें फाइंड करें और इस प्रोग्राम में अगर आपको इस से वाले कोई सवाल हो फील फ्री टू काइंडली डिस्क्रिप्शन में अपने को लीव करें और ये जितने भी रिसोर्स हैं मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दूंगा राइट गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यू ब्रांच स्किल्ड वर्क स्ट्रीम के हवाले से वीडियो समझ में आई होगी तो जी अगर आपका कोई भी सवाल हो कोई भी कंसर्न कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट लीव इट इन दमेंट से अपना जी बहुत बहुत ख्याल रखिए जी और इसके साथ साथ हम आप तक नई नई इन्फॉमेसन डिफरेंट वीडियोज़ आप तक डिलीवर करते रहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें वीडियोज़ को शेयर करें उसके साथ साथ तो अगर हमारे अगर अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन टेक केयर हैव वन बाय